नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मीठा खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके कारण मीठा खाना या तो छोड़ना पड़ता है या बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है, जैसे कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिजीज़ या वेट कम करना हो। लेकिन मीठा खाने के शौकीन लोगों के लिए मीठा छोड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आजकल नया ट्रेंड सामने आ रहा है कोकोनट शुगर का। ज्यादातर सेलिब्रिटीज, फिटनेस फ्रीक लोग अपनी डाइट में कोकोनट शुगर को ऐड करते हैं। ऐसे में ये लाजमी हो जाता है ये जानना कि कोकोनट शुगर आखिर है क्या, इसका टेस्ट कैसा होता है, और कोकोनट शुगर और जो हम अपने घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं उसमें अंतर क्या है। और यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि आखिर क्यों कोकोनट शुगर को ज्यादा सेहत के लिए अच्छा माना गया है व्हाइट शुगर के मुकाबले। और इस वीडियो में ये भी जानिए कि ब्राउन शुगर और कोकोनट शुगर में क्या अंतर है। सबसे पहले जानते हैं कोकोनट शुगर है क्या, बनती कैसी है। दरअसल दोस्तों, नारियल के पेड़ में जो फूल होते हैं उनके रस से तैयार होने वाले शुगर को कोकोनट शुगर कहते हैं। इसे बनाने के लिए नारियल के फूल के एक सिरे को काट कर उसके रस को स्टोर कर लेते हैं। एक बर्तन में इस रस को कम आंच पर पकाया जाता है। जब ये सूख जाए तब इसमें से जो बचता है उसे ही कोकोनट शुगर की तरह यूज किया जाता है। अब यहाँ अगर बात करें ब्राउन शुगर और कोकोनट शुगर में क्या अंतर है, तो आपको बता दें ब्राउन शुगर और कोकोनट शुगर वैसे तो देखने में सेम है लेकिन टेस्ट अलग है। ब्राउन शुगर का टेस्ट चीनी जैसा होता है जो हमारे घर में नॉर्मल व्हाइट शुगर होती है, लेकिन वही कोकोनट शुगर का टेस्ट होता है कैरमल जैसा। अब आप यहाँ जरूर सोच रहे होंगे कि भाई ब्राउन शुगर और कोकोनट शुगर में हेल्दियर ऑप्शन कौन सा है, तो आपको बता दें हेल्दियर ऑप्शन की अगर बात की जाए तो कोकोनट शुगर तो है ही, लेकिन ब्राउन शुगर को भी हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं एज अ हेल्दियर ऑप्शन। देखिए, दोनों में न्यूट्रिशन वैल्यू लगभग एक जैसी है। अगर थोड़ा बहुत फर्क है तो है कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज का। ब्राउन शुगर में थोड़ी बहुत कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और कोकोनट शुगर में थोड़ा कम होता है। इसके अलावा ब्राउन शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है थोड़ा सा कंपैरेटिवली कोकोनट शुगर के, इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं अगर कोकोनट शुगर को कभी कभार अपनी डाइट में लें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन साबित होगा, क्योंकि इससे एकदम ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों कोकोनट शुगर को अच्छा माना जाता है व्हाइट शुगर के मुकाबले। दोस्तों, साधारण चीनी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है जो शरीर के ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने की सलाह दी जाती है। साधारण चीनी यानी कि सफेद चीनी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीब 60 से 65 होता है, जबकि कोकोनट शुगर में इसकी मात्रा केवल 30 से 35 ही होती है। इसी तरह से कोकोनट शुगर में सुक्रोज और फ्रुक्टोज की मात्रा सफेद चीनी की तुलना में काफी ज्यादा कम होती है। दोस्तों, आपको बता दें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के साथ ही कोकोनट शुगर में इंसुलिन भी होता है जो शरीर में ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने की मात्रा को कम करता है। अगर आप स्लिम फिट रहने के लिए भी कोकोनट शुगर खा रहे हैं तो भी 1 से 2 चम्मच से ज्यादा इसे नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही कोकोनट शुगर में थोड़ी मात्रा में न्यूट्रिशन पार्ट भी होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम शामिल है। दोस्तों, जानते हैं आप कोकोनट शुगर खाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे बनाने के लिए किसी भी तरह के आर्टिफिशियल प्रोसेस को नहीं अपनाया जाता, साथ ही इसमें किसी तरह का केमिकल भी नहीं मिलाया जाता, जबकि सफेद चीनी को केमिकल से साफ करके सफेद कलर दिया जाता है। कोकोनट शुगर पूरी तरह से नेचुरल प्रोडक्ट होता है और इसे किसी रिफाइंड प्रोसेस से होकर भी नहीं बनाया जाता। अगर आप चीनी खाना बंद कर रहे हैं या टाइप 2 डायबिटीज में शुगर खाना चाहते हैं तो 1 या 2 चम्मच कोकोनट शुगर को डाइट में शामिल कर सकते हैं। हालांकि कोकोनट शुगर गुड़ और ब्राउन शुगर का ऑप्शन नहीं है, बस इसे व्हाइट शुगर के रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज किया जा सकता है। दोस्तों, यकीनन अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि नेचुरल स्वीटनर अगर कोकोनट शुगर है तो गुड़, शक्कर या मीपल सिरप, या फिर आजकल लोग बहुत जगह पाम शुगर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी तो नेचुरल स्वीटनर है, क्यों कोकोनट शुगर को हम अपनी डाइट में ऐड करें। दोस्तों, यहाँ हम आपको कोकोनट शुगर की टेस्ट की बात बताते हैं।
अगर बात करें कोकोनट शुगर के टेस्ट की, तो इसका जो टेस्ट है वो कैरेमल की तरह लगता है। चीनी और ब्राउन शुगर से बहुत अलग है, लेकिन मिठास जो है इसमें बरकरार है। दूसरी वजह ये है कि बोरियत से बचने के लिए बार बार चीनी, मीपल सिरप, पाम शुगर या फिर कोई और तरह की मिठास की चीजें डाइट में शामिल करने से बोरियत से बचने के लिए अब नई चीज ट्राई कीजिए, कोकोनट शुगर खाकर देखिए और बताइए कैसा है इसका टेस्ट। तो आप भी कोकोनट शुगर ज़रूर ट्राई करें, लेकिन डायबिटीज मरीजों को ये हिदायत हम दे रहे हैं कि प्लीज़ आप कुछ भी मीठा अगर अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की शुगर ऐड कर रहे हैं या रिफाइंड शुगर या फिर किसी भी तरह की नेचुरल स्वीटनर चीज़ आप ऐड कर रहे हैं, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। फ़िलहाल इतना ही।